हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एमडीएम हॉस्पिटल में हड़ताल पर उतरे सफाई कर्मचारी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। हड़ताल के कारण अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। इन सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मथुरादास माथुर अस्पताल में वर्तमान में करीब 500 से ज्यादा महिला और पुरुष सफाई कर्मचारी ठेके पर कार्यरत हैं। वे सभी मंगलवार सुबह कार्य बहिष्कार कर अस्पताल के बाहर आ गए और हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना है कि ठेकेदार ने उन्हें वेतन नहीं दिया। कई सफाई कर्मचारियों का एक तो कई सफाई कर्मचारियों का दो दो माह का वेतन बकाया है। वेतन मांगने पर ठेकेदार द्वारा संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा। अस्पताल प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। वेतन नहीं मिलने से उनके समक्ष आर्थिक तंगी आ गई है, घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ठेके पर लगे इन सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सफाई कार्य नहीं होने से अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। बताओ सर, मैं पूरे 7 बजे बैठा हड़ताल माते कहीं अब हमेशा परेशान करे और हमेशा धमकिया दे दे, काम मत चढ़ा दे और डेढ़ दो महीना तक तनखा नहीं देवे। इन बार कई हुई हो आपका? इन बार वही हुआ है कि एक महीना, आज 14 तारीख हो गई है पर अब तक पेमेंट ना होना कोई संभावना नहीं। अब कह रहा है डाल देना लेकिन आज तक तो कोई डाले नहीं। कितना लोग हो, कितना जना काम करो? कितना कम से कम होला भाई 500-700 आदमी। क्या हॉस्पिटल में कई काम करा? एमडीएम हॉस्पिटल सफाई में कर्मचारी। कई नाम है आपका? नाम नसीम है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।